So let's start moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer generally जो हम laboratories में देखते हैं हमारे schools वगैरह की वो कहलाती है western galvanometer. ठीक है, उसके अंदर इसमें होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं कि दो strong magnet लेते हैं जिसको horseshoe magnet भी बोलते हैं. मान लीजिए मैंने horseshoe magnet लिया इस तरह का, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस जगह पर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल चल रहा है, ये साउथ पोल चल रहा है, तो यहीं पर मैंने एक और ये मैग्नेट जॉइंट कर दिया जिसको इस तरह का शेप दे दिया. किस तरह का शेप दे दिया, कॉनकेव शेप दे दिया. तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. तो अब ये पूरे की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, ये हम कैसे देख रहे हैं, ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके से, और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं. ये व्यू आपको ऐसे नजर आ रहा है, या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए ये ऐसे है और मैंने बिल्कुल आपके सामने ऐसे रख दिया. तो आपको यहां वाला ये ऐसे था, ये हॉर्सशू मैग्नेट, और इसको मैंने सामने से फ्रंट से दिखा रहा हूं, तो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है. ठीक है, अच्छा साहब, अब इसको इसके अंदर क्या चीजें हमें करनी. तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्या है कि हमें क्या मेजर करना है. तो पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में समझते हैं. गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, what is galvanometer, a device which counts the or calibrates the or determine the current flowing in the circuit ki kitni current flow rahi hai current ke detection ke liye. जो डिवाइस यूज किया जाता है कैलिब्रेट करता है उसको बोलते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर. इसका प्रिंसिपल क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, सो बेसिक प्रिंसिपल वही, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड in an external magnetic field it experiences a force on it. ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें पता ही है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल से करंट को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया एक पहले तो आपने क्या बना लिया, एक मेटेलिक कॉइल का फ्रेम बना लिया. कैसे बना लिया, एक आपने एल्यूमिनियम का कोई फ्रेम ले लिया. एल्यूमिनियम क्यों ले रहे हैं, इस तरह का जो नॉन मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट से जो जिस पर मैग्नेटिक इफेक्ट ना लग सके, तो ऐसा कोई हमने रेक्टेंगुलर कुछ फ्रेम ले लिया, वुडन ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो. एल्यूमिनियम इसलिए ले रहे क्योंकि काफी हल्का होता है, वरना अगर कोई चीज बल्कि लोगे तो ये खुद इसको हमें घुमाना है, अभी फोर्स के कारण इसको घूमना है. तो अगर आपने बल्कि चीज ले ली तो घूमने में इसको परेशानी आ जाएगी. अब इसके चारों तरफ क्या कर दिया हमने, इस तरह से वाइंडिंग कर दी कॉपर वायर की, ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर. तो ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया, इंसुलेटेड है तो एक दूसरे से पास पास रखे हुए हैं, फिर भी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. और यहां से एक लास्ट वाला एंड यहां निकाल लिया और जो स्टार्टिंग में यहां से रखा था वो एंड यहां पे हो गया. ये इसके लिए एक्सिस का काम कर रहे हैं दोनों एंड. ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पूरे फ्रेम को बेसिकली एक सिलेंडर लेते हैं कोई सा भी सॉफ्ट आयरन कोर का, और इस सिलेंडर के ऊपर इसको फिक्स करते हैं. एक तरीका ये इसको उठा के इसके ऊपर फिक्स कर दो, दूसरा तरीका इस सिलेंडर को उठाओ और इसके अंदर डाल दो. दोनों ही सिचुएशन में ये हमारा बेसिक पर्पस है, सॉफ्ट आयरन कोर ताकि ये मैग्नेट के थ्रू अफेक्ट हो सके, फ्रेम नहीं हो रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड को आगे बढ़ा सके. अच्छा साहब, ये इसकी एक्सिस है. अब इस ये एक्सिस का मतलब ये जो वायर थे, वायर का कॉपर वायर का एक एंड इधर निकला हुआ है, एक एंड इधर निकला हुआ है और स्ट्रेट कर दिया.
इस पे अब हमने क्या कर दिया कि बेरिंग्स लगा दी, बेरिंग्स लगा दिए यहां पर। सो बेरिंग्स आपको पता ही है जो मूव करवाने में हेल्प करते हैं, है ना, आयरन बॉल्स जिसमें लगी हुई होती है, इस तरीके से पिवोटेड कर दिया इसको इस तरीके से। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्ट कर दी। मान लीजिए एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दी और एक स्प्रिंग इसी तरीके से, इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग, इस तरीके से कनेक्ट कर दी। अभी देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम हम कैसे रख रहे हैं, इसके सामने रख रहे हैं, इसके सामने रख रहे हैं। अब अगर यहां से मैं ये देखो, ये सिलेंडर मान लीजिए, ये सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन कोर का, इसके ऊपर ये हमने ये मेटलिक फ्रेम, एल्यूमिनियम का फ्रेम ऐसे रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा फ्रेम दिख गया आपको। अब इस सिलेंडर को हम ऐसे टॉप से देख रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं, तो अब ऐसे सामने से जब देखोगे तो सिर्फ आपको ये गोल वाला हिस्सा टॉप पार्ट दिखने वाला है। तो हमने इसके अंदर इस तरह से ले जा करके रख दिया। सो बेसिकली अगर यहां पर देखो तो ये भी एक पूरा का पूरा देखो तो ये एक तरह का सिलेंड्रिकल पोर्शन ही है। अगर इसको पूरा कर दूं तो ऐसे लेंथ में गया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक सिलेंडर बना दूं, ये का ये सिलेंडर बना देते हैं, मान लीजिए ये देखिए, और इस सिलेंडर को मैंने बीच में से कट कर दिया ये इस तरीके से, ये देखिए इसका 3D व्यू हो गया। ये इस तरीके से इस, तो ये पूरा मैग्नेट है, तो टॉप व्यू आपको सिर्फ ये वाला नजर आ रहा है, ये देखिए टॉप व्यू, ये पूरा इस तरीके से लेंथ में है। तो हमने मैग्नेट को इस तरीके से कुछ प्लेस कर रखा है। अब इसके बीच में उठा करके पूरा सिलेंडर यहां पर फिट कर रहे हैं, ये पूरा सिलेंडर यहां पर फिट कर रहे हैं, जिसके ऊपर फ्रेम लगा हुआ है, ये फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसको आपको हम, ये ऐसे है, अब इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। जब ऐसे दिखाऊंगा तो आपको सिर्फ ऊपर का पोर्शन नजर आएगा। तो देखिए साहब, ये ऊपर का पोर्शन नजर आ गया आपको। इस ऊपर के पोर्शन पर इस तरीके से ये वायर, ये जो एक्सिस वायर है, ये बताया था मैंने, ये वायर ऐसा होगा, जिसको यहां पर शो नहीं कर रहा हूं, या ऐसे शो कर देता हूं। मान लीजिए एक्सिस वायर, इसके ऊपर हमने क्या कर रखी है, हेयर स्प्रिंग लगा रखी है, और इस हेयर स्प्रिंग से ही मान लीजिए ये यहां पर आई, खत्म हुई, जहां पे भी खत्म हो रही है इस जगह पर, और इस जगह पर हमने एक बहुत ही लाइट एल्यूमिनियम का एक पॉइंटर लगा दिया, जिसका काम क्या रहेगा, करंट को डिटेक्ट करना। अब आप सोचिए थोड़ा माइंड में, अगर मैं इस स्प्रिंग को एक तरफ घुमाऊं, मान लीजिए इसको इधर रोटेट करवाऊं, तो ये पॉइंटर किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ, और अगर मैं इसको स्प्रिंग को उल्टा घुमाऊं तो ये पॉइंटर भी इसके साथ इधर की तरफ घूमेगा। तो इसका काम क्या है, करंट का मेजरमेंट करना, ये खुद डिफ्लेक्ट होकर के, कैसे होना है वो अभी देखने वाले हैं। अब ये जहां पॉइंटर है वहां पे हमने क्या कर दिया, एक स्केल लगा दिया इसी सर्कुलर शेप का, और ये फ्रंट में आपको दिखता है यही गैल्वेनोमीटर, जो डिवाइस बेसिकली आप लैब में देखते हो, वो ये फ्रंट पोर्शन, ये ऊपर का हिस्सा ग्लास में बंद हुआ दिखता है आपको, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ रहता है जीरो। अब करंट, क्योंकि हो सकता है कभी इसके दो टर्मिनल होंगे, एक इधर है एक इधर है ना, ये एक टर्मिनल एक टर्मिनल, तो इसको पॉजिटिव कर दिया तो वो नेगेटिव रहेगा, और इसको पॉजिटिव कर दिया तो ये नेगेटिव रहेगा। यानी कि करंट की दो तरह से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक बार इधर से इधर और एक बार इधर से इधर। दोनों सिचुएशन में जिस टाइम एक डायरेक्शन में होगा तो एक तरफ रिफ्लेक्शन आएगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट को रिवर्स कर दोगे, टर्मिनल चेंज कर दोगे तो इधर रिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए हमने इसको सेंटर में रख रखा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक की। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बेसिकली ये सारी चीजें हैं, और फिर इसको हमने इधर भी बेरिंग से कनेक्ट कर दिया है ना,
बेरिंग से कनेक्ट कर दिया ताकि ये बेरिंग क्या है इजिली इसको रोटेट करा सके, किसको, इस मेटेलिक फ्रेम को। ऑलराइट, अब सोचिए आप थोड़ा सा कि अगर मैं किसी तरीके से ये सिचुएशन, अब मैं इसको ऐसे यहां पे ऐसे दिखा देता हूं, ये ऐसे नहीं है, टॉप व्यू वाला ऐसा है, यानी कि ये वाला हिस्से का मैं ये पूरे का पूरा ऐसे मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, है ना। सो मान लीजिए कि ये ऐसा हिस्सा है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब इसके अंदर मैंने इन पॉइंट्स से या इस पॉइंट से इसका एक एंड इसके अंदर डिप कर दिया, डिप करने का मतलब यहां पे फिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से एक हिस्सा लिया जो इसका वायर चल रहा है और दूसरा हिस्सा लिया, आप यहां तक ले सकते हैं, और इससे ये एक्सटर्नल वायर लेकर के इनसे एक मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी साहब, बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव, ये की हो जाएगी, की को आप क्लोज करोगे तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। मान लीजिए ऐसे जा रही है और हमने इस तरह से टर्न्स दिए थे, तो अगर सिंगल कॉइल की बात करूं तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक इधर से कनेक्टेड है, एक इधर से कनेक्टेड है। समझाने के लिए अभी मैं यही बीच में गैप ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मेन पर्पस क्या है हमारा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है। इस फ्रेम की कॉइल को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, और ये मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। करंट स्टार्ट हो रही है ऊपर इसके अंदर, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड मान इनिशियली इधर की तरफ है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे इन साइड वायर्स के लिए इस तरीके से है, वही चीज यहां पे मैं शो कर रहा हूं। करंट जा रही है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या इस पर एक फोर्स लगेगा इस कॉइल पर पी क्यू आर्म पर, जल्दी बोलिए किस डायरेक्शन में लगेगा, एस पी क्यू इनवर्ड क्रॉस क्रॉस, और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछूं तो कितनी वैल्यू लगेगी इसकी, अगर मैं इसको मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ बता देता हूं आपको, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये स्मॉल ए ये स्मॉल बी, सो लेंथ इसकी पी क्यू की लेंथ बी दे रखी है, तो आई एल बी साइन थीटा से आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, आई बी बी, बताइए क्या यहां पर ये ऑलरेडी आई की डायरेक्शन में ही बी है तो 90 हो जाएगा, तो आई बी बी रह जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, ये चीज सभी को समझ में आती है, और डायरेक्शन कितनी हो गई है, डायरेक्शन कौन सी हो गई, इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन लिख दिया वेक्टर फॉर्म में एफ पी क्यू। जल्दी से बताइए इसी तरीके से एफ पी क्यू के बाद मान लीजिए मैं दूसरा डायरेक्ट आर एस लेता हूं, आर एस में करंट किधर आ रही है, डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर सेम करंट आ रही है, तो फोर्स किधर लग गया इस पर, राइट हैंड ब्रेसिंग हो गया पाम रूल से, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर बाहर की तरफ, इसमें जा रही थी ऊपर, इधर अंदर की तरफ था, इसमें बाहर आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, आई बी, लेंथ तो यही बी है इसकी, ठीक है, बी बी, और फिर से आई और बी के बीच में एंगल 90 का ही है, तो 90, और ये हो गया डॉट। एक फोर्स लग रहा है अंदर, एक फोर्स लग रहा है बाहर इस पूरे वायर पर, दोनों फोर्स सेम पॉइंट सेम लाइन पर लग रहे हैं या दो अलग अलग पॉइंट्स के अलोंग लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स के अलोंग, यानी अगर लाइन ऑफ एक्शन पूछूं फोर्स की, तो इधर इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी और इधर ये फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, और इस तरीके से ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, और इस टाइम पर ध्यान से देखूं तो हमारे पास जो फ्रंट वाली है लाइन, ये डिस्टेंस तो है ए, ये डिस्टेंस है ए, लेकिन इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए, इसको थोड़ा सा यहां पे लेते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये तो है ए, लेकिन इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलूंगा तो ध्यान से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये,
ठीक है, ये है मान लीजिए हमारी बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसे बताते हैं ये वाली एक तरह से ए है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है, तो ए हमारी ये 90 डिग्री, ये तो ये बेस हो गई और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी 90 थीटा, थीटा कहां पे लेंगे हम, 90 एक मिनट, ये वाली लाइन नहीं, इसको थोड़ा सा भी एक मॉडिफिकेशन देता हूं मैं, इसको उसके थ्रू बताता हूं आपको कि ये इस तरह की ये सिचुएशन है। इसको मैंने क्या कर दिया समझाने के लिए, अभी ऐसे कर दिया, ठीक है, ये वाली लाइन ली और फोर्स को, ये जो फोर्स इनवर्ड लग रहा है इसमें तिरछा दिख रहा है, लेकिन ये है किधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू दिस, कुछ इस तरीके से, ये है दो पॉइंट्स, इसके दो पॉइंट जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर ये लग रहा है। अब ये जो इनवर्ड लग रहा है, बस मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो इस तरह से इनवर्ड लग रहा है, बस मैंने इसी को यहीं का यहीं ऐसे रोटेट कर दिया, बिना इसकी डायरेक्शन को ऊपर नीचे किए, ये ऐसे है, ये ऊपर कर दिया बस यहीं के यहीं पे, समझाने के लिए, ठीक। अगर ये होता तो ये फोर्स अपवर्ड आ जाएगा, ये फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा। यहां ध्यान से देखेंगे, जब ये रोटेट हो चुका होगा फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ये रोटेट होगा, रोटेट होकर के इसका जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके से हो चुका होगा। ये रोटेशन कैसे चल रहा है, अंदर, ये वाला हिस्सा अंदर जाना चाहिए, ये वाला हिस्सा अंदर, ये बाहर, ये रोटेट होकर के इस तरह से कुछ आ जाएगा। ये जब इस तरह से कुछ आ गया तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, ये एग्जैक्टली इनवर्ड फोर्स यहां ऐसे लग रहा है। ध्यान देना, अभी की सिचुएशन के अंदर ये जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, इसको बस हमने ऐसे घुमाया तो उससे फोर्स इधर हो गया, लेकिन ये एरिया वेक्टर और ये हमारा क्या है बी, इनके बीच में एंगल है थीटा, और ये पूरा डेरिवेशन हम कर चुके थे कि टॉर्क लग रहा है यहां पर, ये रोटेशन होने के कारण एक टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क की वैल्यू क्या आती थी एवरीवन, ab sin थीटा। ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है, ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये इतना तो पर्पस था, ये वाला तो पर्पस हमारा खत्म हो गया, ओके। अब हमारी दूसरी कहानी स्टार्ट होती है कि तो सर इनमें क्या होने वाला है भाई, इन दोनों ब्रांच में QR और SP में, Q से R अगर मैं यहां पर देखूं तो करंट I इधर जा रही है, क्या इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर, मैग्नेटिक फोर्स जीरो जीरो जीरो, नीचे वाले में एंटी पैरेलल है जीरो, ILB साइन 180 यानी कि IAB साइन 180 जीरो, तो ऊपर और नीचे वाली ब्रांच में जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कभी ये इस सिचुएशन में, मैं शो करता आपको कि ये इस सिचुएशन में यानी कि जिस टाइम पे एरिया वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, तो करंट इसमें तो ऊपर जा रही है, तो अभी भी इसमें फोर्स किधर लगेगा, ध्यान से देखो कि ये जो फ्रेम है कहां रखा वो फ्रेम, ये पहले बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखी हुई है, अब इसको इधर की तरफ अंदर फोर्स लग रहा है, इधर बाहर फोर्स लग रहा है, इससे ये रोटेट हो गई, रोटेट हो गई तो ये इसका जो एरिया वेक्टर था, ये जो एरिया वेक्टर था, ये एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है ना, तो ये मैं अंदर दिखा रहा हूं, ये रोटेट हुआ, ये ऐसे है, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। अब ये तो हिल नहीं रहा, ये सिर्फ ये रोटेट हुआ है, तो ये रोटेट होते ही ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका, अरे बंजा भाई, ये जैसे ये कॉइल रोटेट हुई ऐसे, ये एरिया वेक्टर इधर तिरछा हो चुका है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में कुछ एंगल बन गया, इसके बीच में कुछ एंगल बन गया, करंट अभी भी इस वायर में ऊपर ही जा रही है और इसमें नीचे आ रही है, इसमें करंट ऐसे आ रही है, इसमें करंट ऐसे आ रही है। अगर मैं पूछूं यहां पर ये करंट यहां पर आ रही है आई, और इसमें करंट आ रही है इधर की तरफ, ठीक है,
थोड़ी देर के लिए पूरा मैं 90 डिग्री का रोटेशन आपको शो कर देता हूं, यानी कि करंट मान लीजिए कि ये ऐसे था, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ गई, 90 डिग्री से ये रोटेट हो गया, तो करंट एक तरह से बाहर आ रही है और इसमें अंदर जा रही है। अगर ये सिचुएशन होती तो मुझे बताइए फोर्स कहां पे लगेगा, ये वाली करंट शो कर रही है डॉट को, ये वाली शो कर रही है क्रॉस को। मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई कैप, और यहां पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है आई कैप। जल्दी से बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर वाले पॉइंट पर, करंट बाहर आ रही है, बाहर करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स अपवर्ड्स। बिल्कुल, अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं, एक्सिस वाला पॉइंट ले लूं, तो इसमें फोर्स ऊपर किस पर, आर क्यू, सॉरी क्यू से आर की तरफ, क्यू से आर की तरफ, और इसमें फोर्स लग रहा है एस से पी, एस से पी इसी का बिल्कुल मिड पॉइंट पर। फोर्स पूछो, करंट जा रही है अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, किधर फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड। अगर मैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या, यस यस, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या ये वाले फोर्स, नो सर, यस सर। बेटा टॉर्क हमेशा तब प्रोड्यूस होता है जब दो फोर्सेस इक्वल अपोजिट और दो अलग अलग पॉइंट पर लगे, यानी कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग हो। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली लाइन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस पॉसिबल हो। लेकिन अगर दो पॉइंट ऊपर नीचे ले लूं एग्जैक्टली, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही हो गई ना, इनके बीच की दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कोई डिस्टेंस नजर आ रही है क्या? आप सोचो, इसको मैं इधर लेता जा रहा हूं तो ये इतनी डिस्टेंस रह गई, और इधर ले रहा हूं इतनी डिस्टेंस रह गई, बिल्कुल यही ले लूंगा तो ये तो सेम ही लाइन ऑफ एक्शन हो गई ना। तो ये तो दो एग्जैक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ये कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इस तरीके से इक्वल अपोजिट फोर्स का लगना कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी अलग अलग हो। कि अगर ये दो पॉइंट है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो इस पर फोर्स यहां नीचे लग रहा हो, और लाइन ऑफ एक्शन ये है इनकी, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस जिस टाइम जीरो हो जाए, यानी दोनों एक ही लाइन के अलोंग हो जाए, तो ये सिर्फ क्या कहलाते हैं, कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलाउड कर देते हैं। लाइन लगता तो ध्यान है, जब भी दो अपोजिट पॉइंट्स हो और उन पे लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। बोलो इतना समझ में आ गया क्या सभी को? यस सर।